रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर परिसर में खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार को श्री श्यामबाल मंडल के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनुष्ठान में शामिल हुए। सभी श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। समूचा आयोजन स्थल श्री खाटू श्याम बाबा के जयकारे से गूंज उठा। रानीगंज शहर के एनएसबी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर परिसर में खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार की रात श्री श्याम बाल मंडल के सदस्यों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनुष्ठान में शामिल हुए, जहां सर्वप्रथम खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा गया। आयोजन स्थल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। समूचा आयोजन स्थल दूधिया रोशनी से नहा उठा था। इसके साथ ही खाटू श्याम बाबा के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया गया। दरबार की साज सज्जा मनमोहक एवं देखने लायक थी। श्रद्धालुओं का ध्यान श्री श्याम बाबा के दरबार की तरफ खींचा चला जा रहा था। श्री श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार करने के साथ ही उन्हें 56 भोग लगाए गए थे और आरती की गई। इसके साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक अधूर भजन प्रस्तुत किए गए। तमाम श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। समूचा आयोजन स्थल खाटू श्याम बाबा के जयकारे से गूंज उठा। श्री श्याम बाल मंडल के सचिव पवन केजरीवाल ने बताया कि कार्तिक एकादशी के पावन अवसर पर खाटू श्याम बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम धाम देश भर में असीम आस्था का केंद्र है। खाटू नरेश और शीश के दानी के नाम से जन जन के हृदय में बसे श्याम बाबा का अपना एक पौराणिक इतिहास और महत्ता है। उन्होंने बताया कि बहुप्रतीक्षित श्री श्याम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आगामी 18 फरवरी से 23 फरवरी तक श्री श्याम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह होगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। तो आगे क्या क्या और प्रोग्राम होने वाला है? अभी हमारा 18 फरवरी से 23 फरवरी तक मंदिर का उद्घाटन है। उसमें विभिन्न देश से विभिन्न जगहों से मंडी आएगी और 10 तारीख से 14 तारीख से बाबा को खाटू से सालासर से और झुंझुनू से लेके आएंगे। पंचेश्वर धाम बन रहा है, पांच देवताओं का मंदिर बन रहा है, गणेश जी का, शंकर पार्वती जी का, सालासर धाम और खाटू धाम और झुंझुनू धाम। संजय भंडारी के साथ विप्लव आदेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।